Okay, sir. इसके कारण ही भाई साहब लोग गिर गए यहाँ पर आंसर बिल्कुल नहीं नो मैं अपने बच्चों के साथ वहाँ पर घूमने के लिए आया हुआ था। वहाँ बच्चे और स्कूल के मेंबर भी आए हुए थे। शुक्र ही हादसा उनके जाने के बाद हुआ। अगर हो जाता तो बहुत ज्यादा जान जा सकती है बच्चों के लिए और बड़ों की भी। मैंने देखा वहाँ पर स्टीम से एकदम जहाँ खड़ा था ऊपर टीन उड़ गई पहले और एकदम से स्पीड ऐसी पकड़ी उसने और ड्राइवर वहां से बीच में कूद गया और स्टाफ वाले हाथ मना करते रहे हट जाओ हट जाओ हट जाओ। अरे बिना ड्राइवर स्पीड से तोड़ आगे निकल गया। फाटक तोड़ दिया सब कुछ तोड़ दिया। शुक्र इसका आगे कोई आया नहीं मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। अभी यहाँ ड्रिल हो गया यहाँ पे पड़ गया। अगर मैं नहीं पड़ता तो क्या ये आगे जाके मिल जाता कोई आगे ट्रेन पसंद ट्रेन आ रही होती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इसका आगे कंट्रोल रूम में भी वहाँ से फोन किया गया था जल्दी से कंट्रोल रूम में फोन मिला उनका हादसा बड़ा हो सकता था। लापरवाही है बिल्कुल लापरवाही है। आपका मनीष कुमार शर्मा सीनियर असिस्टेंट हेडक्वार्टर रेवाड़ी। आप किधर से आ रहे थे? हम किशनगढ़ बारावास से एम्प्टी बॉक्स लेके आ रहे थे रेवाड़ी की तरफ। आउटसाइड हुए तो हमने देखा कि ये लोको वाली लाइन से धुआं ही धुआं निकल रहा था। स्टीम तो दिखा था लेकिन धुआं धुआं एकदम उतर के देखा तो लोको सेड हो गया था। फिर हमने जाकर देखा तो इसमें कोई भी चालक नहीं था और पीछे से पब्लिक आ रही थी और पब्लिक आके देखा तो पीछे से भी स्टाफ भी भगा रहा था और ये गिरा हुआ पड़ा था। हमने तुरंत सूचना दी कंट्रोल को स्टेशन मास्टर रेवाड़ी को। अगर मैं आपकी लाइन पे होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। बड़ा हादसा तो हो सकता था लेकिन ये डाउन लाइन है इधर से कोई गाड़ी आ सकती तो बड़ा हादसा हो सकता था। ये लापरवाही रही है? लापरवाही तो अब सेड वालों के मालूम पड़ेगी क्या क्या घटना हुई इसकी जांच के बाद मालूम पड़ेगी क्या लापरवाही हुई। क्या सर कितना पुराना इंजन है सर? ये लगभग 62 साल पुराना इंजन। 62 साल पुराना है तो अभी कितने फिल्मों में अभिनय कर चुका है? 200 फिल्मों में काम कर चुका है। लेकिन कहीं सरकार जहाँ करोड़ों रूपये लगा रही रेलवे खर्च पे रख रखाव पे राष्ट्रीय धरोहर को लेकिन अधिकारी कर्मचारी लापरवाही है। बिल्कुल लापरवाही। कौन चालक था इस पे? वो दिल्ली से आया था। वो देखो वो लड़का यंग है वो रोज आता है स्टीम एक्सप्रेस में आता है। स्टीम एक्सप्रेस में आता है लेकिन बिना चालक के ये तोड़ के भागे फाटक को। चालक अंदर था। चालक अंदर था तो फिर कैसे हो गया यहाँ से? वो तो वो कह रहा था आदमी अपना भाग गया अपने आप इंजन भागता गया। हाँ तो वही तो चक्कर है ना। इसका मतलब चालक नहीं था। लोग देखने वाले कह रहे चालक नहीं था। नहीं चालक कूद गया। कूद गया हाँ। तो कूद कर जान बचाई इसके मतलब? नहीं उसको समझ गया कि कितने आदमी कितना बड़ा हादसा हो जाता है ना। ये लाइन जो आ रही है कॉलोनी के बीचों बीच आ रही है कोई भी हादसा हो सकता था। यहाँ से अंडर अनमैन रहित एक फाटक भी है। इंजन फेल हो गया बाकी किसी जानवर का नुकसान नहीं हुआ। नहीं एक रास्ता भी जाता है जो अननोन अनमैन है वहाँ कोई फाटक भी नहीं है नहीं। जो कब्रिस्तान के पास ही जाता कोई हादसा हो सकता था कोई इसकी गाड़ी इसकी चपेट में आ सकती थी। भगवान की कृपा रही कोई हादसा नहीं हुआ। अब ड्राइवर को तो साले को सजा मिलेगी क्यों चलाया? ड्राइवर को तो सजा मिलेगी क्यों चलाया? फिर ये कहाँ जा रहा था क्यों इसको निकाला गया था? अंदर ही कोई रेल बोर्ड आ रहे थे आज बोर्ड की चेकिंग के लिए। उनके स्वागत के लिए स्वागत के कौन कौन सुबह से चला रहे वो कौन आने वाला था? तो ईडी हेरिटेज एक कोई वित्त मंत्रालय को आ रहे हैं। अच्छा उसके लिए इसको तैयार किया गया था? नहीं चला स्वागत के लिए।